Subscribe my channel, Ambi News Presenting, and press the bell icon to never miss a video from our channel. 29 मार्च को खेला जाएगा पहला आईपीएल मैच, 24 मई को हो जाएगा फाइनल मैच। देखें सभी टीमों की मैच शेड्यूल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 13वें सीजन की शुरुआत को लेकर सभी ऊहापोह खत्म हो गया है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने आधिकारिक रूप से आईपीएल 2020 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस साल ये टूर्नामेंट 29 मार्च से शुरू होगा। इस मुकाबले में रोहित शर्मा की अनुगाई वाली गत चैंपियन मुंबई इंडियंस और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीमें आमने सामने पहले मुकाबले में होंगी और यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीजन का खिताबी मुकाबला 24 मई को होगा। इस बार इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन 57 दिनों तक किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि 13वें संस्करण के लिए बीसीसीआई ने समय सारणी की संपूर्ण घोषणा कर दी है। यह मैच 29 मार्च से शुरू होगा और 24 मई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा इस सीजन में सिर्फ 6 मैच ही दोपहर में खेले जाएंगे। ये सभी मैच रविवार के दिन आयोजित होंगे। ऐसे में आइए जानते हैं सभी 8 टीमों की मैच का कार्यक्रम और समय सारणी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस के मैच के बारे में। तो मुंबई इंडियंस का पहला मैच 29 मार्च से शुरू होगा। 29 मार्च को मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग का मैच होगा जो कि रात 8 बजे से होगा। वहीं मुंबई इंडियंस का दूसरा मैच 1 अप्रैल को मुंबई इंडियंस वर्सेस हैदराबाद को रात 8 बजे से खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस का तीसरा मैच 5 अप्रैल को है, मुंबई इंडियंस वर्सेस बैंगलोर जो कि शाम 4 बजे से खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस का अगला मैच 8 अप्रैल को होगा जो कि मुंबई वर्सेस पंजाब के मध्य खेला जाएगा, यह भी रात 8 बजे से होगा। मुंबई इंडियंस का अगला मैच 12 अप्रैल को है जो कि मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता को रात 8 बजे से खेला जाएगा। अगला मैच 15 अप्रैल को खेला जाएगा जो कि मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान के मध्य होगा, यह मैच भी रात 8 बजे से होगा। अगला मैच 24 अप्रैल को है जो कि मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के मध्य होगा, यह भी मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। 28 अप्रैल को मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता रात 8 बजे है। 1 मई को मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली के मध्य रात 8 बजे से मैच। 6 मई को मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली रात 8 बजे। 9 मई मुंबई इंडियंस वर्सेस हैदराबाद रात 8 बजे। 11 मई मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल रात 8 बजे। 17 मई को मुंबई इंडियंस का आखिरी मैच है जो कि मुंबई इंडियंस वर्सेस बैंगलोर के मध्य रात 8 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के मैचेस के बारे में। कोलकाता नाइट राइडर्स का पहला मैच कोलकाता वर्सेस बैंगलोर को रात 8 बजे से 31 मई को खेला जाएगा। 3 अप्रैल को कोलकाता वर्सेस दिल्ली के मध्य रात 8 बजे से है, जबकि अगला मैच 6 अप्रैल को कोलकाता वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के मध्य रात 8 बजे से है। 9 अप्रैल को कोलकाता वर्सेस राजस्थान के मध्य रात 8 बजे से होगा। 12 अप्रैल को कोलकाता वर्सेस मुंबई इंडियंस रात 8 बजे। 16 अप्रैल कोलकाता वर्सेस हैदराबाद रात 8 बजे। 19 अप्रैल कोलकाता वर्सेस दिल्ली शाम 4 बजे। 29 अप्रैल को कोलकाता वर्सेस पंजाब के मध्य रात 8 बजे होगा। 26 अप्रैल कोलकाता वर्सेस पंजाब शाम 4 बजे से। 28 अप्रैल कोलकाता वर्सेस मुंबई के मध्य रात 8 बजे से, जबकि 2 मई को कोलकाता वर्सेस राजस्थान के मध्य 8 बजे से, और 7 मई को कोलकाता का आखिरी मैच कोलकाता वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के मध्य रात 8 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के मैचेस के बारे में। तो दिल्ली कैपिटल्स का पहला मैच 30 मार्च को दिल्ली वर्सेस पंजाब के मध्य होगा और यह मैच रात 8 बजे से होगा। दिल्ली कैपिटल्स का दूसरा मैच 3 अप्रैल को खेला जाएगा जो कि दिल्ली वर्सेस कोलकाता के मध्य रात 8 बजे से खेला जाएगा। 5 अप्रैल को दिल्ली वर्सेस राजस्थान रात 8 बजे। 10 अप्रैल दिल्ली वर्सेस बैंगलोर रात 8 बजे। 13 अप्रैल दिल्ली वर्सेस चेन्नई रात 8 बजे। 19 अप्रैल दिल्ली वर्सेस कोलकाता शाम 4 बजे। दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी मैच शाम 4 बजे से वो संडे के दिन पड़ने वाले मैचेस हैं, बाकी के दिन सभी मैच रात 8 बजे से हैं। तो दिल्ली का अगला मैच 22 अप्रैल को दिल्ली वर्सेस बैंगलोर रात 8 बजे। 26 अप्रैल दिल्ली वर्सेस हैदराबाद रात 8 बजे। 1 मई दिल्ली वर्सेस मुंबई रात 8 बजे। 3 मई दिल्ली वर्सेस हैदराबाद रात 8 बजे। 6 मई को दिल्ली वर्सेस मुंबई रात 8 बजे।
10 मई को दिल्ली वर्सेस चेन्नई शाम 4 बजे, 13 मई को दिल्ली वर्सेस राजस्थान रात 8 बजे, और दिल्ली का आखिरी मैच 16 मई को दिल्ली वर्सेस पंजाब के मध्य रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं किंग्स इलेवन पंजाब के मैच के बारे में। तो दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब का पहला मैच 30 मार्च को है, जो कि पंजाब वर्सेस दिल्ली के मध्य रात 8 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच 4 अप्रैल को दिल्ली वर्सेस हैदराबाद के मध्य रात 8 बजे से खेला जाएगा। 8 अप्रैल को पंजाब वर्सेस मुंबई के मध्य रात 8 बजे। 11 अप्रैल को पंजाब वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के मध्य रात 8 बजे। 14 अप्रैल को पंजाब वर्सेस बेंगलोर को रात 8 बजे। 17 अप्रैल को पंजाब वर्सेस चेन्नई के मध्य रात 8 बजे। 20 अप्रैल को चेन्नई वर्सेस मुंबई के मध्य रात 8 बजे। 23 अप्रैल को पंजाब वर्सेस कोलकाता के मध्य रात 8 बजे। 26 अप्रैल पंजाब वर्सेस कोलकाता के मध्य शाम 4 बजे। 29 अप्रैल को पंजाब वर्सेस राजस्थान के मध्य रात 8 बजे। 3 मई को पंजाब वर्सेस बेंगलोर को शाम 4 बजे। 8 मई को पंजाब वर्सेस राजस्थान के मध्य रात 8 बजे। 12 मई को पंजाब वर्सेस हैदराबाद रात 8 बजे। जबकि पंजाब का लास्ट मैच 16 मई को खेला जाएगा, जो कि पंजाब वर्सेस दिल्ली के मध्य रात 8 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल के मैचेस के बारे में। राजस्थान रॉयल का पहला मैच 2 अप्रैल को राजस्थान वर्सेस चेन्नई के मध्य रात 8 बजे से खेला जाएगा। राजस्थान का दूसरा मैच 5 अप्रैल को राजस्थान वर्सेस दिल्ली के मध्य। राजस्थान का तीसरा मैच 9 अप्रैल को राजस्थान वर्सेस कोलकाता के मध्य रात 8 बजे। 12 अप्रैल को राजस्थान वर्सेस हैदराबाद रात 8 बजे। 15 अप्रैल राजस्थान वर्सेस मुंबई के मध्य रात 8 बजे। 18 अप्रैल को राजस्थान वर्सेस बैंगलोर के मध्य रात 8 बजे। 21 अप्रैल को राजस्थान वर्सेस हैदराबाद के मध्य रात 8 बजे से। 25 अप्रैल को राजस्थान वर्सेस बैंगलोर के मध्य रात 8 बजे से। 29 अप्रैल को राजस्थान वर्सेस पंजाब के मध्य रात 8 बजे से। 2 मई को राजस्थान वर्सेस कोलकाता के मध्य रात 8 बजे से। 4 मई को राजस्थान वर्सेस चेन्नई के मध्य रात 8 बजे से। 8 मई को राजस्थान वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के मध्य रात 8 बजे से। 11 मई को राजस्थान वर्सेस मुंबई के मध्य रात 8 बजे से। और राजस्थान का आखिरी मैच 13 मई को खेला जाएगा, जो कि राजस्थान वर्सेस दिल्ली के मध्य रात 8 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मैचेस के बारे में। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का पहला मैच 31 मार्च को खेला जाएगा, जो कि बैंगलोर वर्सेस कोलकाता के मध्य खेला जाएगा, और यह मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का दूसरा मैच 5 अप्रैल को बैंगलोर वर्सेस मुंबई के मध्य शाम 4 बजे से खेला जाएगा। 7 अप्रैल बैंगलोर वर्सेस हैदराबाद रात 8 बजे। 10 अप्रैल बैंगलोर वर्सेस दिल्ली के मध्य रात 8 बजे। 14 अप्रैल बैंगलोर वर्सेस पंजाब के मध्य रात 8 बजे। 18 अप्रैल बैंगलोर वर्सेस राजस्थान के मध्य रात 8 बजे खेला जाएगा। 22 अप्रैल बैंगलोर वर्सेस दिल्ली के मध्य रात 8 बजे। 25 अप्रैल बैंगलोर वर्सेस राजस्थान के मध्य रात 8 बजे। 27 अप्रैल बैंगलोर वर्सेस चेन्नई के मध्य रात 8 बजे। 3 मई बैंगलोर वर्सेस पंजाब के मध्य रात 4 बजे। 5 मई बैंगलोर वर्सेस हैदराबाद के मध्य रात 8 बजे। 10 मई बैंगलोर वर्सेस कोलकाता के मध्य रात 8 बजे। 14 मई को बैंगलोर से चेन्नई के मध्य रात 8 बजे खेला जाएगा, जबकि बैंगलोर का आखिरी मैच 17 मई को बैंगलोर वर्सेस मुंबई के मध्य रात 8 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के मैचेस के बारे में। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद का पहला मुकाबला 1 अप्रैल को हैदराबाद वर्सेस मुंबई के मध्य रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला 4 अप्रैल हैदराबाद वर्सेस पंजाब के मध्य रात 8 बजे से खेला जाएगा। 7 अप्रैल हैदराबाद वर्सेस बैंगलोर के मध्य रात 8 बजे। 12 अप्रैल हैदराबाद वर्सेस राजस्थान शाम 4 बजे। 16 अप्रैल हैदराबाद वर्सेस पंजाब के मध्य रात 8 बजे। 19 अप्रैल को हैदराबाद वर्सेस चेन्नई के मध्य रात 8 बजे। 21 अप्रैल को हैदराबाद वर्सेस राजस्थान के मध्य रात 8 बजे। 26 अप्रैल को हैदराबाद वर्सेस दिल्ली के मध्य रात 8 बजे। 30 अप्रैल हैदराबाद वर्सेस चेन्नई के मध्य रात 8 बजे। 3 मई को हैदराबाद वर्सेस दिल्ली के मध्य रात 8 बजे। 5 अप्रैल को हैदराबाद वर्सेस बैंगलोर के मध्य रात 8 बजे। 9 मई को हैदराबाद वर्सेस मुंबई के मध्य रात 8 बजे। 12 मई को हैदराबाद वर्सेस पंजाब के मध्य रात 8 बजे। और हैदराबाद का आखिरी मैच 15 मई को
हैदराबाद वर्सेस कोलकाता के मध्य खेला जाएगा, जो कि रात 8 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के मैच के बारे में। दोस्तों आपको बता देंगे, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और आईपीएल से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग के मैच के बारे में। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के मैचेस में सबसे पहला मुकाबला 29 मार्च को ही है, जो कि चेन्नई वर्सेस मुंबई के मध्य रात 8 बजे से है। वहीं दूसरा मुकाबला 2 अप्रैल को चेन्नई वर्सेस राजस्थान के मध्य रात 8 बजे से है, जबकि तीसरा मुकाबला 6 अप्रैल चेन्नई वर्सेस कोलकाता के मध्य रात 8 बजे से, 11 अप्रैल चेन्नई वर्सेस पंजाब के मध्य रात 8 बजे से, 13 अप्रैल को चेन्नई वर्सेस दिल्ली के मध्य रात 8 बजे, 17 अप्रैल चेन्नई वर्सेस पंजाब के मध्य रात 8 बजे, 19 अप्रैल चेन्नई वर्सेस हैदराबाद के मध्य रात 8 बजे से, 24 अप्रैल चेन्नई वर्सेस मुंबई के मध्य रात 8 बजे, 27 अप्रैल को चेन्नई वर्सेस बैंगलोर के मध्य रात 8 बजे, 30 अप्रैल को चेन्नई वर्सेस हैदराबाद के मध्य रात 8 बजे, 4 मई को चेन्नई वर्सेस राजस्थान के मध्य रात 8 बजे, 7 मई को चेन्नई वर्सेस कोलकाता के मध्य रात 8 बजे, 10 मई को चेन्नई वर्सेस दिल्ली के मध्य रात 8 बजे और चेन्नई सुपर किंग का आखिरी मुकाबला 14 मई को चेन्नई वर्सेस बैंगलोर के मध्य खेला जाएगा, वो भी रात 8 बजे से। दोस्तों आज की अपडेट में बस इतना ही। ये अपडेट आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और आईपीएल से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।